हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे रिपेयर करना ये माइक्रोवेव। ये पैनासोनिक का माइक्रोवेव है और इसका प्रॉब्लम है कि ये जब ऑन करते हैं तो इस तरफ से स्पार्क निकलता है, बहुत जोर से इसका स्पार्क निकलता है। तो उसी को आज रिपेयर करने वाले हैं। तो इसको पावर ऑन कर दिए हैं और यहाँ से इसको ऑन करेंगे तो देखिए लाइट आ गया, स्पार्क आता है इसके अंदर से। देखिए मैग्नेट्रॉन का लाइट जल रहा है अंदर में, वहाँ से स्पार्क आता है, बहुत जोर से आता है, थोड़ा रुक के। अभी तो नहीं कर रहा है, थोड़ा रुक के बहुत जोर से स्पार्क करता है। तो उसी को आज रिपेयर करेंगे। रिपेयर करने से पहले इसका और भी पार्ट्स दिखा देते हैं कि कहाँ से इसका फॉल्ट निकलता है, क्या खराब होने से ऐसा फॉल्ट आता है, वो दिखाएंगे। अभी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इसमें स्पार्क का आवाज़ आ रहा है, स्पार्क कर रहा है अंदर में ये। तो अभी इसको दिखाते हैं खोल के। इसका कवर खोल दिए हैं, देखिए अभी इसका मैग्नेट्रॉन दिख रहा है और ये थर्मोस्टेट है। ये थर्मोस्टेट को पहले निकाल के यहाँ से खोल के इसको बाहर कर लेते हैं, उसके बाद ये मैग्नेट्रॉन निकाल के दिखाएंगे कि क्यों ऐसा फॉल्ट आता है। ये देखिए थर्मोस्टेट को निकाल दिए हैं और इसका ये प्लग है वो निकाल देंगे, ये भी निकाल दिए। अब मैग्नेट्रॉन को खोलेंगे। यहाँ पर स्क्रू है, तीन स्क्रू है, तीनों को निकाल लेते हैं पहले। देखिए दो स्क्रू निकल गया है और तीसरा भी निकाल लेंगे। उसके बाद मैग्नेट्रॉन को बाहर निकालेंगे। जब कभी ऐसा फॉल्ट आए तो यही पार्ट्स को चेक करना चाहिए। मैग्नेट्रॉन खराब हो जाता है तब ऐसा प्रॉब्लम आता है। और इसके अंदर में एक माइका सीट भी है, उसको भी चेक करेंगे। ये देखिए मैग्नेट्रॉन है, देखिए मैग्नेट्रॉन, देखिए यहाँ, ये देखिए स्पार्क मार के ये पूरा जल गया है। तो या तो मैग्नेट्रॉन चेंज करना पड़ेगा या फिर ये गन है, अगर गन अगर दूसरा मिलता है तो देखिए इस तरह से निकल जाता है। निकाल के दूसरा गन भी लगा सकते हैं, जैसा मेरे पास ये देखिए, मेरे पास ये दूसरा गन है, ये इसमें स्पार्क नहीं, तो इसको इस तरफ से लगा सकते हैं, इसको लगा के लगा सकते हैं उसमें। तो ये हो गया, चेंज हो गया, आपको पैसा भी नहीं लगेगा। मैग्नेट्रॉन अच्छा है, सिर्फ ये गन के वजह से ऐसा हो रहा था, तो गन अगर दूसरा लगा दिए तो ठीक हो जाएगा। इसमें देखिए ये जला हुआ है, स्पार्क मार के जला हुआ है, जला दिख रहा होगा। तो इसको चेंज करके दूसरा लगा देंगे तो ठीक हो सकता है। ये लगा दिए, अब इसको पहले के जैसा इसमें फिट कर देते हैं। तो मैग्नेट्रॉन को अभी वो जो गन होता है सामने का वो तो चेंज करना दिखा दिए। अभी इसको खोलते हैं सामने का और इसके अंदर में इसको दिखाएंगे। अभी अभी इसके अंदर में एक माइका सीट लगा होता है, उसको निकालेंगे। ये देखिए इसके अंदर में एक माइका सीट लगा हुआ है, ये देखिए माइका सीट को निकालेंगे। मेन जो प्रॉब्लम होता है इसका माइका सीट के कारण ही होता है। जब इसमें कुछ हुक करते हैं तो इसका जो इसमें से निकल के जो इसमें लगता है तो इसे इसमें कार्बन लग जाता है। ये निकालते हैं, देखिए ये टूटा हुआ है, क्रैक पड़ा हुआ है इसमें, ये देखिए टूटा हुआ है, ये माइका सीट टूटा हुआ है और ये देखिए कार्बन लगा हुआ है, सब कार्बन लगा हुआ है इसी के कारण। देखिए इस तरफ भी कार्बन लगा हुआ है, तो इसी के कारण वो उसका जो रे होता है वो इसे निकलता नहीं है बाहर,
और इसीलिए ऐसा होता है, स्पार्क निकलता है इसी के कारण। ये देखिए टूटा हुआ है, तो अभी इसको चेंज करेंगे। चेंज करने के लिए हम नया दूसरा ले लेंगे, दूसरा जो इस तरह का आता है, तो इसको ठीक इसी पर रख के इसको इसी के साइज से काट लेंगे, और काट के फिर लगाते हैं इसको, देखते हैं। इसको पहले ऐसे रख के इसे पेंसिल से दाग कर देंगे, और दाग करके कैंची से काट लेंगे, और काट के फिर लगाते हैं। उसके बाद देखेंगे स्पार्क निकलता है कि नहीं। देखिए वही साइज का नया माइका सीट काट लिए हैं। ये तो पहले का जो, ये देखिए टूटा हुआ है, और दूसरा भी नया है। ये इसको पहले के जैसे सेम, दो ठो इधर होता है, दो ठो इधर फंसाने के लिए होता है, तो इसको लगा देंगे। अभी देखिए माइका सीट भी लगा दिए हैं, दूसरा, ये पुराना वाला है। अभी अब ऑन करके देखेंगे अब किस तरह काम करता है, स्पार्क आता है कि नहीं। अभी देखिए लग गया है दूसरा माइका सीट। अभी इसको बंद करेंगे और ऑन करते हैं। ऑन हो गया है, अभी काम कर रहा है ठीक। इसमें कुछ रख के देखते हैं, पानी रख के देखते हैं गर्म हो रहा है कि नहीं। अभी एक बाटी पानी रख के बंद करते हैं, बंद कर दिए। अभी इसको यहाँ से ऑन करते हैं, इसे 1 मिनट के लिए लगा देते हैं, 1 मिनट के लिए। और इसका वोल्टेज है थोड़ा ज़्यादा कर देते हैं। देखते हैं गर्म हो रहा है कि नहीं। अभी तक स्पार्क नहीं मार रहा है। मैग्नेट्रॉन का गन होता है वो चेंज कर दिए, और माइका सीट भी चेंज कर दिए हैं। ही देखते हैं, प्रॉब्लम तो ऐसा फिर से नहीं दिखाई दे रहा है। इतना देर ऑन करने से पहले स्पार्क आ जाता था, तब तो कोई स्पार्क नहीं आया है। निकाल के देखते हैं कि गर्म हुआ है कि नहीं पानी। पानी गर्म हो चुका है, पानी गर्म हो चुका है।